हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपो कार। आज हम बात करने वाले हैं हुंडई वेन्यू के सेकंड टॉप मॉडल के बारे में। दोस्तों ये जो वेरिएंट है थोड़ा ज़्यादा ही खास है, क्योंकि ये दोस्तों डीजल वेरिएंट है और डीजल में कई अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। आपको बताऊंगा कैसे कैसे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें जो क्रेटा में जैसे कुछ खास फीचर्स आते हैं, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, वो फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया वेरिएंट आप ये देख सकते हैं। और क्या क्या इसका प्राइस है, क्या क्या और फीचर्स आ रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी खूबसूरत लगती है। ये जो इसका जो रेक्टेंगुलर शेप में जो ग्रिल आती है, काफी बढ़िया लगता है डार्क क्रोम में। ऊपर आपको जो है हैलोजन में इंडिकेटर दिया गया है और नीचे जो है हेडलाइट सेटअप है जो कि प्रोजेक्टर है और कॉर्निंग लैंप के साथ है। चारों तरफ इसमें व्हाइट कलर की डीआरएलएस है और नीचे अगर देखेंगे तो कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं आता है। और सबसे नीचे आपको जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेटें मिल जाती है। और दोस्तों इसका जो हेडलाइट का जो कलर है वो आपको एलईडी में मिलेगा, मतलब व्हाइट कलर की मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पर काफी खूबसूरत डिजाइन मिल जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपको दोस्तों सेकंड टॉप में अलॉय मिल जाएगा। अगर आप डीजल परचेस करते हैं सेकंड टॉप मॉडल, तो यहाँ पे आपको दोस्तों डायमंड कट वाला टॉप मॉडल वाला अलॉय मिल जाता है इसमें, जो काफी खूबसूरत बना देती है गाड़ी को। और यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 195 mm आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अलॉय व्हील अगर देखेंगे तो 16 इंच का यहाँ पे मिलता है डायमंड कट वाला, वो काफी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑप्शन है, सामने C8 के टायर मिल रहे हैं। नीचे आप प्रोफाइल 215/60 R16 का मिल जाता है। और यहाँ पे इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पे मिरर पे आ जाता है, सेकंड टॉप मॉडल है तो फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों आ जाते हैं। नीचे पेडल लैंप्स आ जाता है, देखिए सबसे बढ़िया फीचर है दोस्तों, अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो व्हाइट कलर में है, मतलब बॉडी कलर में आते हैं। रूफ रेस देखिए, यहाँ पे रूफ रेस मिल जाता है इस वेरिएंट में, जिससे थोड़ा कार और ऊंची लगती है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 45 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। और डीजल है इसलिए आपको इसमें DEF देखने को मिल रहा है, जो कि यूरिया भी बोलते हैं इसको। और ये जो है यूरिया आपको डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट नॉर्म्स है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है ये डीजल गाड़ी के। तो काफी बढ़िया चीज है, आपका जो है पॉल्यूशन भी कम करेगा इससे। तो एक चीज यहाँ पे बढ़ गई है डीजल गाड़ी में, जो कि डेफ यूज हो रहा है अभी। तो ये था टैंक के बारे में। और यहाँ पे नीचे की तरह अगर आप देखेंगे तो ड्रम ब्रेक्स आ रहे हैं रियर में। ये था दोस्तों साइड प्रोफाइल के बारे में। अब कार के रियर प्रोफाइल आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे रियर प्रोफाइल मिल जाता है। सेकंड टॉप मॉडल में भी आपको वाइपर डिफॉगर मिल जा रहा है दोस्तों, काफी बढ़िया फीचर है। और यहाँ पे जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं तो सिल्वर कलर स्किड प्लेटें मिल जाता है। दो आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहा है यहाँ पर और HSRP की जगह। और यहाँ पे देखेंगे तो टेल लाइट्स, तो ये कनेक्टेड वाला मिल जाता है जो बहुत ही बढ़िया लगती है वेन्यू में। और यहाँ पे जो है इसका जो रिवर्स लैंप है वो रिवर्स नहीं, इंडिकेटर जो है वो हैलोजन में है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ब्रेक लाइट है वो LED में है। ये रहा इसका वाइपर और ये रहा इसका डिफॉगर। और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो आपको जो है वॉशिंग यूनिट मिल जाती है, सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना और हाई माउंट स्टॉप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों कार का रियर प्रोफाइल, सब कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है। दोस्तों कैमरा भी है, कैमरा मैं दिखा नहीं पाया दोस्तों, कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है नीचे की तरफ। अब आपको कार का बूट दिखाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा इसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनिंग सिस्टम। और पार्सल ट्रे आ जाता है इसमें, काफी बढ़िया है, मजबूती काफी है यहाँ पे। और यहाँ पे बूट स्पेस की बात करूँ तो 350 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको जो लगेज लैंप देखने को मिल जाएगा। और ये रहा रिफ्लेक्टर इसमें। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे स्टेपनी आ जाता है जो कि अपोलो के है यहाँ पर। और प्रोफाइल 195/65 R15 का मिलता है, 1 इंच छोटा, तो कोई बात नहीं, स्टील रिंग के साथ आ रहा है, 1 इंच छोटा ही आता है हर गाड़ी में। और तो ये था बूट स्पेस के बारे में। अब कार का जो है इंटीरियर दिखाता हूँ, लेकिन इंटीरियर दिखाने से पहले इसमें एक बहुत ही अमेजिंग फीचर आता है, वो आपको दिखाता हूँ वो क्या है। पहले आपको कीज दिखाता हूँ, ये है कार की कीज। तो यहाँ पे दो कीज मिल जाती है जो कि रिमोट की है एकदम प्रॉपर। और लॉक अनलॉक बूट रिलीज करने वाला बटन और एक होल्ड का बटन आता है इसमें, चार बटन है दोस्तों। जो होल्ड वाला बटन है इसका काम है कि गाड़ी को दूर से ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, गाड़ी को अनलॉक किए बिना गाड़ी दूर से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और गाड़ी ठंडी होगी तब जाके अंदर बैठ सकते हो गर्मी के टाइम में। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, वो देखिए नंबर चढ़ रहा है या RPM दिखा रहा है 0.07। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आवाज भी आ रही है गाड़ी का इंजन का, तो काफी बढ़िया है। यहाँ पे ये फीचर आपको मिल जाता है, उसी बटन अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो इंजन है वो बंद भी हो जाएगा। देख सकते हैं लॉक कंडीशन में गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों काफी बढ़िया फीचर है, अगर आप सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
चलिए अब आपको कार के इंटीरियर दिखाता हूँ। ये रहा पैसिव एंट्री, तो यहाँ पे अंदर चलते हैं। डोर को ओपन कर दिया है मैंने और देखिए डोर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। सिल्वर कलर है फिनिशिंग और यहाँ पे चारों पावर विंडो और ड्राइवर वाला ऑटो अप डाउन के साथ है। सेंट्रल लॉकिंग, मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करने वाला बटन, एडजस्टेबल वाला बटन, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। सिल्वर कलर का फिनिशिंग है। नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर, ग्रिल्स आपको मिल जाता है और एक ट्विटर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 स्पीकर सेटअप मिल जाता है। और यहाँ सीट देखेंगे तो आपको हाइट एडजस्टेबल वाला सिस्टम वाला सीट मिल जाता है जो कि मैनुअली है। और फैब्रिक में आपको मिलता है थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आ रहा है फ्रंट की। और रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन तीन हेडरेस्ट मिल रहा है। वेन्यू में दोस्तों अभी तीन तीन हेडरेस्ट आ रहा है रियर में। अब आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है इस वेरिएंट में। आपको ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप करने वाला बटन है और हेडलैम्प लेवल करने वाला बटन मिल जाता है। अब आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं, अंदर एक बार बैठ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे डी कट में आपको स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो स्टिचिंग की गई है, मतलब लेदर रैप्ड आपको स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। इधर म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इधर आपको जो है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है दोस्तों। सेकंड टॉप में क्रूज कंट्रोल मिल रहा है डीजल में, बहुत बढ़िया है। हर एक काम की फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। इधर वाइपर के फंक्शन है जो कि नॉर्मल आता है और इधर आपको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे MID अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा डिजिटल आता है। एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। डोर मैंने पहले क्लोज कर लिया, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। काफी खूबसूरत एनिमेशन के साथ ये देखिए ऑन होता है और पूरा का पूरा जो है डिजिटल है। और सभी के सभी सीट बेल्ट के लिए रिमाइंडर यहाँ पे अभी आ रहे हैं, अपडेटेड वाला वर्जन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे RPM और जो स्पीडोमीटर दोनों के दोनों डिजिटल है। लेफ्ट साइड में आपको जो है फ्यूल का दिखा रहा है, राइट साइड में आपको टेम्परेचर दिखा रहा है। स्टेयरिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज रहेगा तो स्टेयरिंग जो यहाँ पे टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम आता है हुंडई की तरफ से जो आता है आर्कमिस साउंड सिस्टम के साथ। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले हो जाएगा, वायरलेसली काम करता है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट आउटपुट और USB पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ साइड में जो है वायरलेस चार्जिंग का इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सो वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा इसमें, काफी बढ़िया फीचर है। और ट्रांसमिशन की बात करूं तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है एक रिवर्स के साथ, डीजल गाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा कप होल्डर और सामने की तरफ कीज रखने के लिए जगह। ये रहा इसका हैंड ब्रेक और ये हैंड रेस्ट है, काफी बढ़िया है, सॉफ्ट यहाँ पे है, सॉफ्ट फिनिशिंग के साथ। अंदर स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IRBM है, वो मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल आएगा। लाइटें यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेलोजन में मिलता है, कुछ इस टाइप से ऑन ऑफ कर सकते इसको और इस टाइप से दोनों को भी ऑन कर सकते हो। और ये है इसका सनरूफ। सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे सनरूफ देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया है। थोड़ा और ओपन हो जाएगा, इस टाइप से पूरा ओपन होता है। मैं इसका ग्लास एरिया एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप से ये ग्लास आप कवर करके आप यहाँ पे बारिश के टाइम में आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी बढ़िया है। अलग ही आपको यहाँ पे फील आती है, काफी अच्छा फील होता है। यहाँ पे भी लाइटें दी गई है जो कि हैलोजन में है। और सनवाइजर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड में। और ड्राइवर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर भी स्पेस है, अंदर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफी बढ़िया चीज है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार चार एयरबैग्स आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको दो मिल जाएंगे, एक आपका जो है ड्राइवर साइड में, दूसरा पैसेंजर साइड में। और बाकी दो है दोनों के जो सीटों के दोनों साइड होते हैं, जो साइड इम्पैक्ट कभी होता है तो वो बचाने के लिए साइड में दिए गए हैं। तो चार आपको जो एयरबैग्स मिल जाता है इस वेरिएंट में। और अब आपको इसका रियर आपको एक बार दिखा देता हूँ, रियर में क्या कुछ आपको मिल जाता है। डोर आपको सिंपली वैसे ही मिल रहा है सेम डिजाइनिंग के साथ जो फ्रंट आपको जो जैसा मिल रहा था। ये रहा देखिए सिल्वर फिनिशिंग है, पावर विंडो वाला बटन और ये अपना बॉटल होल्डर हो गया। और यहाँ पे सीटें हो गई, देख सकते हैं फैब्रिक में है। तीनों के तीनों जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है रियर के। एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, काफी बढ़िया फीचर होता है ये चीज, स्प्लिट वाला जो है सीट का फोल्ड करने वाला सिस्टम। यहाँ पे ये देखिए ये सीट है, अब आधी आधी मतलब 60-40, आधी नहीं है मतलब 60-40 के रेशियो में सीट को फोल्ड कर सकते हैं, काफी बढ़िया फीचर है। और इसमें दूसरा है टू स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर के साथ है। ये देखिए ये पहला स्टेप है, मतलब जो इसका जो रिक्लाइनिंग एंगल है वो आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा और इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। ये सेकंड स्टेप में ये पूरा रिक्लाइन हो जाता है। तो टू स्टेप रिक्लाइनिंग सीट मिलता है जो वेन्यू ऑफर कर रही है, काफी बढ़िया चीज है और इसी मॉडल में मिलता है। रियर एसी वेंट हो गया और नीचे आपको दो टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। इधर आपको जो है सीट बैक पॉकेट नहीं मिलता, लेकिन उधर आपको सीट बैक पॉकेट मिल जाता है दोस्तों।
तो ये था कार के जो इंटीरियर के बारे में। अब आपको कार का जो है इंजन का दिखा देता हूँ, इंजन कैसा है। पहले बोनट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं आप, एक बार ओपन कर लेते हैं फिर आपको इंजन दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज इन्होंने अभी दे दिया है हुंडई ने। यहाँ पे जो इंजन दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे डीजल गाड़ी अगर लेते हैं तो क्रेटा वाला सेम इंजन सेम पावर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है CIDI इंजन, जो आपको 115 PS का आपको पावर दे देता है और 250 NM के टॉर्क के साथ आपको ये इंजन देता है। काफी बढ़िया पावर और पिकअप आपको मिलता है और माइलेज भी बहुत बढ़िया है। माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपको 20-22 के आसपास में डीजल आपको निकाल देगा और काफी बढ़िया है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छा है इसका और साइलेंट काफी इंजन आपको देखने को मिलता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये कार मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों इसका अगर प्राइस की बात करूँ तो एक्स शोरूम इसका 12,20,000 है और ऑन रोड लगभग रुद्रपुर में अगर लेते तो 14.5 लाख के आसपास में ये ऑन रोड बैठ जाता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।